Hello children, good morning. How are you all? Fine. Okay, so today we are going to study subject GK of class 1st, right? We have completed up till chapter number 11. Now we are moving further with chapter number 12, that is story time. Okay, so here we are going to learn some stories and some poems. Okay, now see, seven dwarfs used to live with Snow White. Snow White मतलब ice होती है ना, जो snow होता है ना, तो वो आइस कहाँ पे गिरती है, जो पहाड़ी एरियाज होते हैं, जो माउंटेन एरियाज, हिली एरियाज होते हैं, वहां पे आइस गिरती है बारिश के सीजन में, है ना। तो वहां पे ठंड ज्यादा लगती है, हमारे यहाँ पे बारिश होती है फिर भी हमको कितनी ठंड लगती है ना, तो हमको बहुत ज्यादा ठंड लगती है, तो वहां पे तो और ज्यादा लगती होगी। तो सेवन ड्रॉप्स मीन्स हमें ज्यादा स्वेटर पहनने, मतलब जो स्वेटर होता है वो पहनने के बाद भी हमें ठंडी लगती है ना, तो इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है सेवन ड्रॉप्स। ओके, अभी देखो, हाउ मेनी बैग्स ऑफ वूल हैड बाबा ब्लैक शिप। तो आपको पोयम याद है बाबा ब्लैक शिप वाली, आपने नर्सरी में पढ़ा होगा, केजी क्लास में भी आपको ये पोयम आई होगी, है ना। तो आपको याद है कितने बैग्स थे बाबा ब्लैक शिप के पास। देखो पोयम हम आज वापस रिवाइज करेंगे, ठीक है। बाबा ब्लैक शिप, हैव यू एनी वूल, क्या पूछ रहे हैं बाबा ब्लैक शिप का, आपके पास वूल है। यस सर, थ्री बैग्स फुल। तो कितने वूल्स हुए, कितने बैग्स हुए, थ्री बैग्स, किसके, वूल के, राइट। सो बाबा ब्लैक शिप के पास कितने वूल के बैग्स थे, थ्री बैग्स। सो बाबा ब्लैक शिप, हैव यू एनी वूल, यस सर, थ्री बैग्स फुल। One for my master, one for dam, one for the little boy who lives in lamb. है ना? One for my master, one for dam, one for the little boy who lives in lamb. Baba black sheep, have you any wool? Yes sir, three bags full. है ना? So poem अच्छी लगी सबको? Yes, good. So कितने bags थे? Wool के? थ्री बैग्स, ओके। सो नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड जैक ब्रेक व्हेन ही फॉल डाउन हिज क्राउन। ओके, सो जैक ने क्या तोड़ा जब वो गिरा, तो जैक ने क्या तोड़ा, ही ब्रोक हिज क्राउन, उसका जो क्राउन था वो टूट गया। नाउ सी हु हैड ग्रेट फॉल, ग्रेट फॉल मतलब कौन जोर से गिरा, हम्प्टी या बम्प्टी, क्या आएगा। हमारी पोयम क्या थी नर्सरी में, हम्प्टी बम्प्टी की, हम बम्प्टी डम्प्टी, हम्प्टी डम्प्टी था कि बम्प्टी डम्प्टी था, याद है, भूल गए हो। तो हम रिवाइज करेंगे ये पोएम भी अगेन। हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन अ वॉल, बोलो मेरे साथ, हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन अ वॉल, हम्प्टी हैड अ ग्रेट फॉल, है ना। हम्प्टी का क्या हुआ, वो वॉल पे बैठा था, वो गिर गया वहां से। हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन अ वॉल, हम्प्टी हैड अ ग्रेट फॉल। All the king's horses and all the king's men, again बोलो मेरे साथ, all the king's horses and all the king's men couldn't put Humpty together again, है ना? So ये poem याद रखनी है। So कौन गिरा था, Humpty Dumpty गिरा था, right? Who won in the hare and the tortoise race? आपने story सुनी है hare and tortoise वाली, इसमें hare जो है, ये hare जो है वो कौन है, रैबिट है, राइट, रैबिट का नाम है। सो हेयर एंड टॉर्टोइस की स्टोरी क्या थी, एक बार टॉर्टोइस चल रहा होता है और रैबिट दौड़ रहा होता है, तो रैबिट जो है वो टॉर्टोइस पे हंसता है ना। स्टोरी ध्यान से सुननी है, तो रैबिट जो है वो टॉर्टोइस पे हंसता है कि तू तो बहुत स्लो है, तो जो रैबिट है वो क्या बोलता है कि वी शुड मेक अ कॉम्पिटिशन, है ना। आपकी स्कूल में कॉम्पिटिशन होते हैं ना, यहाँ पे जब आप स्कूल आते थे तब कॉम्पिटिशन होते थे, अभी भी ऑनलाइन कॉम्पिटिशन हम लोग कर रहे हैं, आपका इलेक्ट्रिशियन कॉम्पिटिशन भी आ रहा है ना, है ना, जिसमें आपको स्पीच देनी है। तो वैसे यहाँ पे हेयर एंड टॉर्टोइस के बीच में भी एक कॉम्पिटिशन हुआ, किसका कॉम्पिटिशन, रेस का। तो वो लोग रेस लगाते हैं आपस में कि कौन जीतेगा, तो रैबिट को जो है ईगो हो गया कि मैं तो फास्ट दौड़ता हूँ, ये तो चल भी नहीं पाता है, तो मैं ही जीतूंगा, है ना। तो टॉर्टोइस जो है वो क्या बोलता है, वो सिर्फ सुनता है। फिर जब रेस स्टार्ट होती है तो सारे
पहुंच जाता है और टॉर्टोइस तो स्लो स्लो चल रहा होता है ना, वो तो बहुत धीरे चलता है, तो वो स्लो स्लो चल रहा होता है, उसको पता है कि वो स्लो चलता है, फिर भी उसने रैबिट के साथ रेस लगाई। अब रैबिट जो है वो बहुत आगे निकल जाता है, फिर वो थक जाता है, तो वो क्या सोचता है कि मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूँ। वो जब मुड़ के देखता है तो उसको टॉर्टोइस नजर नहीं आता है, वो क्या सोचता है तो अभी आएगा तो बहुत टाइम लगेगा क्योंकि वो तो बहुत धीरे धीरे चलता है, तब तक तो मैं सो के उठ के वापस दौड़ने भी लगूंगा और जीत भी जाऊंगा। तो क्या होता है, वो रैबिट जो है वो एक पेड़ के नीचे सो जाता है और फिर वो टॉर्टोइस जो है वो धीरे धीरे चलता चलता आगे बढ़ जाता है और टॉर्टोइस रैबिट जो है वो वहीं पे सोता रहता है और टॉर्टोइस रेस जीत जाता है ना। ये स्टोरी याद है आप लोगों को, सुनी है आपने? तो ये जो टॉर्टोइस और हेयर वाली स्टोरी है उसमें कौन विन हुआ बताओ? टॉर्टोइस विन हुआ, राइट? सो यहाँ पे क्या आएगा आंसर में? टॉर्टोइस। नाउ सी नेक्स्ट, हु हैड द मैजिक लैंप? मैजिक लैंप किसके पास था? अलादीन या निजामुद्दीन? तो जो अलादीन था आपको पता है, आपने कई बार टीवी सीरियल्स में या टीवी पे कोई मूवी में बहुत बार आया है, अलादीन के शोज आते हैं तो वो आपने देखे होंगे, स्टोरीज भी सुनी होगी अलादीन के पास, अलादीन की है ना। उसके पास एक जिनी था लैंप में, है ना। यहाँ पे देखो आपको पिक्चर भी दिखाया हुआ है, तो किसके पास था, क्या लिखोगे यहाँ पे? अलादीन, राइट? सो यू क्लियर अप टिल हियर? नाउ सी, यू हैव टू गिव आंसर इन वन वर्ड। सी, हाउ मेनी ड्वार्फ्स यूज्ड टू लिव विद स्नो व्हाइट? मैंने पहले ही फर्स्ट क्वेश्चन में समझाया, क्या आएगा? सेवन, है ना। नाउ सी नेक्स्ट, हाउ मेनी बैग्स ऑफ वूल हैड बाबा ब्लैक शिप? तो बाबा ब्लैक शिप जो था उसके पास कितने वूल के बैग्स थे? हमने अभी पोएम लर्न की ना, बाबा ब्लैक शिप, हैव यू एनी वूल? यस सर, यस सर। क्या आएगा आगे, कितनी बैग्स थी? थ्री, राइट? सो यहाँ पे क्या लिखोगे? यस सर थ्री बैग्स वूल, राइट? सो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? थ्री। कितनी वूल की बैग्स थी उसके पास? थ्री। किस किस के लिए थी? एक फॉर मास्टर, वन फॉर माय मास्टर, दूसरा डैम के लिए और थर्ड बैग जो थी वो लिटिल बॉय के लिए जो उसके आसपास रहता है। नाउ सी, व्हाट डिड ब्रेक जेक ब्रेक व्हेन ही फेल डाउन? देखो यहाँ पे मैंने बीच में कैपिटल लेटर यूज किया है जेक में, है ना। तो आप लोगों को भी कैपिटल यूज करना है जब हम प्लेस का नाम, पर्सन का नाम ये सब लिखते हैं तो यहाँ पे कैपिटल आ जाएगा, कंट्री का नेम, है ना। तो यहाँ पे जो है बीच में कैपिटल लेटर, फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा। जब भी आप किसी का नाम लिखते हो तो फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल करना है। नाउ सी हियर, क्या ब्रेक किया जैक ने? क्राउन। सो हियर यू विल राइट सी आर ओ डब्ल्यू एन, क्राउन, ओके। नाउ सी, हु हैड अ ग्रेट फॉल? कौन जोर से गिरा? हम्प्टी डम्प्टी, राइट? सो हियर यू विल राइट एच यू एम पी टी वाई, हम्प्टी डी यू एम पी टी वाई, डम्प्टी, हम्प्टी डम्प्टी, है ना। पोएम लर्न किया हमने, हम्प्टी डम्प्टी सेट ऑन अ वॉल, हम्प्टी डम्प्टी हैड अ ग्रेट फॉल, है ना, लर्न किया ना हमने। हु वॉन इन द हेयर एंड टॉर्टोइस रेस? हमने अभी स्टोरी सुनी हेयर और टॉर्टोइस की, है ना, तो उसमें कौन विन हुआ? टॉर्टोइस, करेक्ट। सो हियर यू विल राइट टॉर्टोइस। नाउ सी लास्ट नंबर, हु हैड मैजिक लैंप? तो मैजिक लैंप जो था वो किसके पास था? डू यू रिमेंबर? ही वाज अलादीन, राइट? सो हियर यू विल राइट अलादीन, ए एल ए डबल डी आई एन, अलादीन, ओके चिल्ड्रन। सो यू क्लियर अप टिल हियर? ओके, सो नाउ वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर विद आवर न्यू लेसन।